डियर चिल्ड्रन, अब आखिर में मैं आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ। एप्लीकेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो एप्लीकेशन जो है इसमें आपको सेल्फ एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लिखना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से एक एक पॉइंट एक एक चीज़ ध्यान रखना है। इसमें भी वैसे ही करना है, लेफ्ट साइड मार्जिन, लेफ्ट से ही आपको शुरू करना है। सबसे पहले टॉप पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो हमेशा कुछ भी नहीं सोचना। स्कूल फॉर एक्सीलेंस भोपाल, हम एक्सीलेंस स्कूल इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदी मीडियम है, तो अपने को दिक्कत ही नहीं होगी, उनको पता है कि हाँ इमेजिनरी नाम लिख रहे हैं। अगर स्कूल का नाम दिया है तो वही नाम लिखोगे, भले आप उस स्कूल को जानते हो या नहीं जानते। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, डेट आपको पता है कैसे लिखनी है, 29th August 2020। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में खाली इतना लिखना है, अगर आप छुट्टी पे जा रहे हो एप्लीकेशन खोली, आप किसी वजह से बीमार हो गए हो, कोई एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हुई है तो सिक लीव, मान लो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवानी है मैथ्स की इंग्लिश की, तो एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ्स, इस तरह से करके आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, जो सिटी है, लाइन छोड़ी डे, लाइन छोड़ी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिमिटेड, ऐसे ही लिखना, पूरा पूरा मत लिख डालना। फिर लाइन छोड़ोगे, रिस्पेक्टेड सर, कोई कॉमा नहीं, विदाउट लाइन छोड़े, हम्बली आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन स्टडी क्लास 23। फिर आगे मान लो अगर आपको छुट्टी चाहिए, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 डेज एज आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर, ये वो जो कुछ भी। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे थैंक यू, पूरा वो लिख के प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रैंड मी लीव फॉर दैट, वो सब लिखोगे। फिर थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़ेंगे योर्स ओबीडियंटली, आप ओबीडियंट हो या नहीं लिखना योर्स ओबीडियंटली है। उसके बाद में आशुतोष वर्मा नाम दिया सपोज, और उसके बाद नहीं नाम नहीं दिया तो क्या लिखोगे, आ गया समझ में, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं इन सबके पीडीएफ भी भेजूंगी आपको, ठीक है।